नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबर में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अरुण साव को भेजा नोटिस, 24 घंटे के अंदर मांगा जवाब। जाने क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है, बाकी की 70 सीटों पर 17 नवम्बर को मतदान होना है। चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी बीच मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने अरुण साव को जारी किए गए नोटिस में 9 नवंबर को अलग अलग समाचार पत्रों में प्रकाशित महतारी वंदन योजना के विज्ञापन को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। निर्वाचन आयोग ने अरुण साव से इस संबंध में 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि अखबारों में छपे महतारी वंदन योजना के विज्ञापन में विवाहिता महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का उल्लेख है, साथ ही घर घर पंजीयन करने के लिए QR कोड भी दिया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि इससे प्रतीत होता है कि योजना में दी जाने वाली राशि तत्काल मतदाताओं को हस्तांतरित किया जा सकता है।